हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग दो आईपीओ के बारे में एनालिसिस करेंगे। एक पिरामिड टेक्नोप्लास्ट ऑलरेडी ओपन हो गया 18 को, और 18 से 22 तक इसका अप्लाई कर सकते हैं आप। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट एक्चुअली बेसिकली देखिए तो एक अपना कंटेनर वगैरह, स्मॉल कंटेनर, IBC कंटेनर वगैरह बनाने वाला कंपनी है। तो इसका फंडामेंटल ठीक है, एक स्मॉल साइज़ का एक कंपनी है। इसका इशू साइज़ है अराउंड 153 करोड़ का एक इशू साइज़ है। तो एक स्मॉल कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी बोल सकते हैं। और ये नए अपना एक्चुअली देखिएगा तो आपको आपका इसका जो प्रोडक्ट है, जैसे ड्रम हो गया, बैरल हो गया, प्लास्टिक बैरल्स, HDMI और बल्क कंटेनर्स, ये सब IBC बल्क कंटेनर्स, ये सब इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। और मेजरली इनका फाइनेंशियल ठीक है, फाइनेंशियल भी ठीक है, कंपनी सेल्स कर रही है और अपना प्रॉफिट में भी है। देख लीजिए प्रोडक्ट IBC कंटेनर्स, प्लास्टिक बैरल्स। और इनका मेन जो क्लाइंट है, तो देखिएगा तो आप अच्छा खासा क्लाइंट बेस है उनको, GACL, दीपक नाइट्रेट्स, यूनाइटेड प्रॉस्पेरेट लिमिटेड, पतंजलि, अदानी विल्मर और अपार इंडस्ट्रीज और अल्काइलामिन, एशियन पेंट्स, ये सब आप देख सकते हो। ये सब क्लाइंट बेस है इनका, अच्छा खासा क्लाइंट बेस है और उनका बिजनेस में मतलब एक ग्रोथ पोटेंशियल लग रहा है और लगातार अभी 2 साल से प्रॉफिट भी है कंपनी। और इशू साइज छोटा सा है और आप देख सकते हो मिनिमम बिडिंग है जो रिटेलर के लिए 13,590 का और लॉट साइज़ है 90, अपना 990 का एक लॉट साइज़ है। और जो प्राइस बैंड है 151 to 166 रेंज। जब भी आप अप्लाई करते हो जो कट ऑफ प्राइस में आप टिक कीजिए, मिलने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। और एक करंट अभी जो 18 तारीख एज पर 18 तारीख का जो ये ट्रेंड है, तो उसका 1.6x तक उसका सब्सक्राइब हुआ है और जो GMP है 28 rupees का एक उसको प्रीमियम मिल रहा है। तो एक ने GMP जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन, जो मार्केट उस टाइम में कैसा रहेगा। अगर मार्केट साइडवेज में तो ठीक है, फिर भी चलता है। अगर वो जो बेरिश मार्केट में इतना प्रीमियम नहीं मिलेगा, तो जैसे ही आप वो आगे अपडेट करते रहेंगे। दूसरा एक IPO अपना एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री से, थोड़ा बज में न्यूज़ में, तो ये क्योंकि एक शानदार एक अच्छा कंपनी है, पर्टिकुलर सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है। तो एक स्टेनलेस स्टील होस ये करता है, मैन्युफैक्चर करता है, नवी मुंबई बेस्ड कंपनी है। और इसका जो प्रोडक्ट देख लीजिए अपना कॉरगेटेड स्टेनलेस स्टील होस और स्टेनलेस स्टील असेंबलीज आप देख लीजिए। एक ऑयल एंड केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है, हेवी इंडस्ट्रीज में, तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट में इन लोग मार्केट लीडर है। और इनका जो अलग अलग प्रेशर रेंज में ये करता है अपना प्रेशर, अपना जो हेवी इंडस्ट्री के लिए, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए। और ये देख लीजिए उनका प्रोडक्ट, ये भी प्रॉफिटेबल कंपनी है, लगातार प्रॉफिट कर रहा है। लास्ट दो साल से एनुअल रिपोर्ट उसका, एज पर एनुअल रिपोर्ट, इनका जो मेन जो क्लाइंट है किर्लोस्कर न्यूमैटिक, जो किर्लोस्कर ऑयल है, और KRBHSC अपना फर्टिलाइजर्स, इंडियन ऑयल, और बहुत सारा DCM श्रीराम, जैसे कि बहुत सारा BHEL देख लीजिए आप, बहुत सारा इनका क्लाइंट पेस है। तो क्लाइंट तो अच्छा खासा है और प्रॉफिट भी कर रहा है और ये ओपन हो रहा है। ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, इशू साइज है 351 crore का और अपना 22 को ओपन हो रहा है, मतलब मंगलवार को 24 to 24, तो आप अप्लाई कर सकते हो उसमें। और करंट GMP देखो तो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिएगा तो एज पर फ्राइडे का डेटा है 68 rupees का एक प्रीमियम मिल रहा है इसको। और ये वेरी हो सकता है मार्केट कंडीशन, लेकिन मार्केट कंडीशन और जो सब्सक्राइब होता है उतने उसके ऊपर, डिमांड के ऊपर भी ये निर्भर करता है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 13,260 का, 130 शेयर्स एक लॉट के लिए, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं 4,91,450 शेयर आप मैक्सिमम इन्वेस्ट करते हैं रिटेलर कैटेगरी में। और ये प्राइस बैंड है 102 to 108, अगेन आपको कट ऑफ प्राइस में आप एक अप्लाई कीजिए तो मिलने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। बस ये अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं अभी नेक्स्ट वीक में, अभी मंडे को देखते हैं क्या होता है करके, हम लोग अपडेट करते रहेंगे। और इंस्टाग्राम और एक्स में फॉलो कीजिए और ऐसे लगातार अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बस, थैंक यू।